Hi everybody, welcome to my YouTube channel. Now the Amazon wardrobe refresh sale is on और मैंने इस सेल का पूरा फायदा उठाया है. I have shopped like crazy and if you do not believe me, just watch my haul video. आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितनी शॉपिंग करी है. बट इस Amazon सेल में एक चीज जो मैंने नोटिस करी वो ये थी कि देर वॉज दिस स्टनिंग कलेक्शन ऑफ हैंड बैग्स, रियली कूल, रियली ट्रेंडी, फैशनेबल कलर्स, फैशनेबल स्टाइल्स. तो मुझे पर्सनली हैंड बैग्स कलेक्ट करने का बहुत शौक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा हैंड बैग आपके आउटफिट को, आपके पूरे लुक को 5 से 10 तक पहुंचा सकता है इन अ मैटर ऑफ सेकेंड. तो मैंने अमेजोन से कुछ ऐसे हैंड बैग पीसेस खरीदे हैं विच आर रियली स्टनिंग. They were on a great discount and in this video I want to show you all those pieces and trust me guys, you're going to love it. So the first bag that I've ordered is this really stylish hobo bag. These are called hobo bags or lately maine aisa notice kara that these bags have got a lot of trend, you know, sare influencers isko, you know, aise carry karke ghoomte hain and it is actually stunning. मतलब दिस इज फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड योयो विंग. मैंने पहली बार इसका कोई सामान ऑर्डर करा है बट ट्रस्ट मी द क्वालिटी ऑफ इट इज रियली गुड. मतलब जब मैं मंगा रही थी आई वॉज स्केप्टिकल ऑनेस्टली, बट जो इसकी ओवरऑल क्वालिटी है, जो इसका स्टाइल क्वोशेंट है वो बहुत अमेजिंग है. और यहाँ पे जो इन्होंने ये ऐसे रफल कर दिया है ना इसको, इससे इसका स्टाइल क्वोशेंट और भी ज्यादा बढ़ गया है. एंड ऑल्सो लेट्स टॉक अबाउट द कलर. लाइक दिस इज सच अ ब्यूटिफुल कलर. ये दो कलर ऑप्शन में था, इसमें ब्लैक भी था और लैवेंडर भी था. तो मुझे लगा कि यार लैवेंडर एक ऐसा कलर है जो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स है. और अब क्या है, आज की डेट में यू कैन कैरी लाइक एनी बैग विद एनी थिंग. एज इन वो टाइम गया जब हमें बहुत सोचना पड़ता था, कलर मैचिंग करनी पड़ती थी. टुडे वी आर लिविंग इन द एज ऑफ मिक्स एंड मैच. एक्चुअली हैज अ लॉट ऑफ चार्म टू इट, स्पेशली लाइक द अदर डे आई वॉज वेयरिंग अ ब्लैक like overall jumpsuit and with that I carried this purple bag. It was actually looking like an eye candy and it is pretty useful also. मतलब ऐसा नहीं है कि ये इतना छोटा है तो इसके अंदर स्पेस नहीं है. It does have a lot of space into it. अभी आप देखो इसके अंदर इन्होंने काफी सारे न्यूज़पेपर वगैरह भर के रखा हुआ है. एंड इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अपने हैंड बैग्स में कुछ ना कुछ स्टफ करके रखो तो यार उनका शेप इंटैक्ट रहे. सो यू नो ये जो स्टफिंग है इसको मैं संभाल के रखूंगी. एवरी टाइम आई पुट इट बैक इन माई वार्डरोब मैं इसको वापस रख दूंगी. और ये जो इसका पूरा जो शेप है, इसमें इन्होंने काफी स्टर्डी मटीरियल लगाया हुआ है जिससे इसका शेप जो है वो खराब नहीं होगा. आप बस जो इसका जो डस्ट बैग इसके साथ मिला है उसमें आप इसको संभाल के रखो. एंड दिस बैग इज गोइंग टू बी योर आर्म कैंडी फॉर सो मैनी आउटिंग्स. नेक्स्ट ऑन आई ऑर्डर दिस रियली लाइक स्टनिंग क्लासी बैग फ्रॉम लिनो पेरोस. लिनो पेरोस के बैग्स मैं पहले ले भी चुकी हूँ, मैं गिफ्ट भी कर चुकी हूँ, बिकॉज ये ना दे मेक रियली स्टाइलिश बैग एट रियली अफोर्डेबल प्राइजेस. और वो भी जो है अफोर्डेबल भी मुझे और ज़्यादा अफोर्डेबल मिल गया क्योंकि मैंने इसको सेल से खरीदा है. इसको कैरी करने के दो तरीके हैं. एक तो आप यू नो यू जस्ट कैरी इट लाइक अ शोल्डर बैग. एज यू कैन सी ओवर हियर इट लुक्स रियली गुड एज अ शोल्डर बैग. इसके अलावा जो इसकी ये बेल्ट है ये डिटैचेबल है, तो आप उसको हटा कर जो सिर्फ इसकी ये जो चेन है उसको भी आप यूज कर सकते हो. यू कैन कैरी इट लाइक जैसे यू नो एक आर्म बैग है, इसको भी आप एज अ शोल्डर बैग कैरी कर सकते हो. सो इन एनी विच वेज द ब्यूटी ऑफ दिस बैग इज दैट इट इज वेरी स्टाइलिश बट एट द सेम टाइम इट लुक्स गुड इन एवरी डे लाइफ ऑल्सो. मतलब अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो या आप एक ऑफिस गोइंग पर्सन हो एंड यू डोंट वॉन्ट टू कैरी बिग बैग्स, तो समथिंग लाइक दिस कम्स वेरी हैंडी एंड ऑल्सो वेरी स्टाइलिश. एंड एट द सेम टाइम अगर आप किसी पार्टी में हो, आपने वाइट या लैवेंडर कलर का कोई ड्रेस या कॉटसेट पहना हुआ है, इफ यू कैरी इट विद जस्ट दिस थिंग इट्स एक्चुअली गोइंग टू लुक वेरी वेरी ग्रेसफुल. और इसमें भी स्पेस की कमी नहीं है. ऑफकोर्स इट्स नॉट अ टोट बैग जिसमें आपकी पूरी दुनिया आ जाए, बट अगर आप वैसे स्पेस देखोगे तो वो काफी है. दे हैव सम लाइक वन पॉकेट ओवर हियर ऑल्सो. अपार्ट फ्रॉम द स्टाइल क्वेश्चन, अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो दिस इज अ वेरी स्टर्डी बैग. मतलब जो इसकी स्टिच क्वालिटी है, जो ये मटीरियल यूज हुआ है, ये बहुत अमेजिंग है. और अगर आप बहुत ध्यान से देखो, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, इसमें ये जो पूरा टेक्सचर यूज हुआ है, यू नो लाइक अ लेदर लुक लाइक टेक्सचर, दिस इज वॉट मेक्स इट वेरी
ऊबर शीक टाइप्स, मतलब जो जैसे हाई डिज़ाइन के या इस टाइप के जो बहुत अप ट्रेंडी बैग्स होते हैं उनमें इस टाइप का टेक्सचर आता है, स्पेशली जो लेदर बैग्स होते हैं. सो आई रियली लाइक इट. मतलब मैंने बहुत सारे बैग्स मंगाए हैं लेकिन ये एक ऐसा बैग है विच डेफिनेटली विल हैव अ स्पेशल कॉर्नर इन माई हार्ट. तो अगर आपको ये बैग अच्छा लगा, दे हैव अ लॉट ऑफ कलर ऑप्शंस इन इट ऑल्सो, सो दिस इज वन बैग दैट यू शुड definitely look out for. And I got another bag from Lino Peros only. This is more like a satchel bag. और इसकी like what attracted me towards this bag was definitely the color. It's a very beautiful light taupe shade. ये color थोड़ा मुश्किल से मिलता है, so it's a beautiful color. और इसमें ये जो बड़ी जो box quilting हुई हुई है, the checks pattern that is, you know, throughout this bag, it makes it वेरी स्टाइलिश. मतलब ये ना आजकल अगर आप ऑब्वियसली आजकल सब लोग इंस्टाग्राम पे हैं और अगर आप इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को देखोगे ना, दीज थिंग्स दिस काइंड ऑफ फंकी स्टफ इज सुपर इन. इसको आप लाइक हाफ हैंड भी कैरी कर सकते हो और इफ यू वॉन्ट टू कैरी इट लाइक अ क्रॉस बॉडी बैग, आप उसको क्रॉस बॉडी बैग की तरह भी कैरी कर सकते हो. इट लुक्स वेरी वेरी स्टाइलिश. स्टाइलिश होने के अलावा दिस इज ऑल्सो अ वेरी स्पेशियस बैग. मतलब अगर आप देखो, दे हैव टू पार्टीशंस और उन दोनों पार्टीशंस में काफ़ी स्पेस है. मतलब अगर आप एक डिसेंट शॉपिंग डे पे भी निकलते हो तो भी आप इसको आराम से कैरी कर सकते हो. सो दिस इज ऑल्सो वन बैग विच इज वेरी स्टाइलिश, वेरी गुड क्वालिटी. और अगर आप देखो जो इन्होंने जो स्टिच वगैरह करा है ना, इट्स वेरी क्लीन. मतलब कई बार ऐसा होता है कि जब आप इस टाइप की कोई चीज बना रहे हो जहाँ पे इतना सारा थ्रेड वर्क इन्वॉल्व है, इट कैन गो मेसी. बट आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट लीनो पेरोस कि इन्होंने ये जो पूरा काम करा है ना स्टिचिंग का, ये बहुत सफाई से करा है. एंड ऑफकोर्स जो गुड क्वालिटी वर्क होते हैं ना, वो बहुत अच्छे ब्रांड से ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. और मैंने लियो पेरोस बहुत यूज करा है. इनके जो वो ऐसे यू नो वुमेन वॉलेट आते हैं वो तक यूज करे हुए, तो क्वालिटी की तो खैर मुझे कभी भी कोई चिंता थी नहीं. इसका स्टाइल क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसकी यूटिलिटी बहुत अच्छी है, एंड ऑफकोर्स मुझे बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिला है. सो दिस इज ऑल्सो वन बैग दैट यू शुड डेफिनेटली लुक आउट फॉर. जब मैं बैग्स ढूंढ रही थी तब मैंने सोचा कि चलो यार फैशनेबल स्टफ तो मैंने बहुत ऑर्डर कर दिया है, बट नाउ लेट्स लुक फॉर समथिंग विच इज फैशनेबल ऑल्सो बट एक्सट्रीमली यूजफुल ऑल्सो. सो आई गॉट दिस बैग फ्रॉम द ब्रांड लावी. नाउ लावी इज अ वेरी पॉपुलर ब्रांड इन आर कंट्री और इसका पूरा कलेक्शन अमेजोन पे है और वो पूरा का पूरा कलेक्शन सेल पे है. मतलब ये बैग मैंने सेल से 75% डिस्काउंट पे उठाया है. मतलब लूट लिया यार मैंने अमेजोन वालों को. बट या दिस इज अ रियली यूजफुल बैग. इसका ये जो कलर है लाइक यू नो अ डल रेड कलर, ये बहुत ट्रेंडिंग है. पूरा का पूरा बैग जो है बहुत अच्छी मैट फिनिश पे है. नाउ बिकॉज दिस ब्रांड इज फ्रॉम लावी, आई डोंट इवन वॉन्ट टू टॉक अबाउट द क्वालिटी, यार इंसल्ट हो जाएगी. मतलब लावी का बैग है, अच्छा होगा ही होगा. नाउ इट्स क्वाइट अ स्पेशियस बैग. ऑफकोर्स ये मैंने यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा मंगाया था, तो इसके अंदर ना मतलब काफ़ी जगह है. इसके अंदर एक्स्ट्रा पार्टीशंस भी हैं, यहाँ पर भी एक चेन दी हुई है इन्होंने और यहाँ पर भी एक फुल ऑन जिपर है एक बैक पॉकेट के लिए. यू नो कई बार हमें अपना फ़ोन रखना होता है या एक्स्ट्रा चेंज कैश रखनी पड़ती है. सो दिस इज़ अ बैग विच इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी माई मोस्ट यूज बैग. मतलब पसंद मुझे सारे हैं लेकिन अगर मैं स्ट्रिक्टली यूटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये एक ऐसा बैग है जो मेरे बहुत काम आने वाला है. एंड नॉट ओनली दिस, द एंटायर लावी कलेक्शन इज ऑन अ ग्रेट डिस्काउंट. तो आप ना, मैंने सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हैं, आप जरूर लावी का कलेक्शन चेकआउट करना. देन लास्टली आई ऑर्डर्ड अ सुपर शीक फैशनेबल स्लिंग बैग फ्रॉम क्लियो. मतलब इसका जो कलर है ना मस्टर्ड, ये बहुत हटके है. तो आप देखो मैंने इसकी पॉलिथिन भी नहीं हटाई है अभी तक क्योंकि मैं इसको बहुत संभाल के रखना चाहती हूँ. आई जस्ट लाइक वेयर इट वेर आई एम सपोज टू वेयर इट. और इसकी ना ब्यूटी ये है कि आजकल के कई जितने भी बहुत स्टाइलिश बैग है, स्पेशली बहुत ऐसे अपर ब्रांड के भी बैग्स है जिसमें ये वाली जो क्लॉथ बेल्ट है ना, कि आपकी क्लॉथ बेल्ट होती है और उस पर जो भी ब्रांड का नाम होता है वो रिपीटेडली ऐसे चल रहा होता है रिपीटेड पैटर्न में, ये चीज बहुत इन है और इन्होंने उसी को रेप्लीकेट करा है. एंड एक्चुअली लुक्स वेरी स्टाइलिश, स्पेशली अगर आप इसको एज अ क्रॉस बॉडी बैग कैरी करते हो. मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो कि विद एन ऑल ब्लैक ड्रेसिंग ऑल्सो इट्स लुकिंग सो गुड. और यहाँ पे भी मैं आपको दिखा सकती हूँ कि इवन मैंने व्हाइट पहना है तो
यू नो इट लुक्स, मतलब आपको दिख नहीं रहा होगा बट या इट लुक्स रियली नाइस. ये जो मस्टर्ड और ब्लैक की जो यहाँ पे कलर ब्लॉकिंग हो रही है वो कितनी अच्छी लग रही है. सो यू नो यू कैन लाइक यू कैन ऑफ कोर्स कैरी इट एज अ स्लिंग ऑल्सो, बट मुझे ना इसको एज अ क्रॉस बॉडी बैग कैरी करना ही अच्छा लगेगा बिकॉज आई थिंक इट विल लुक रियली स्टाइलिश दैट वे. स्पेस की बात करी जाए सो इट्स अ बॉक्स बैग, तो इसमें स्पेस की कमी बिल्कुल भी नहीं है. ये ना अभी अंदर एकदम ऐसे फुल है, इसके अंदर जो भी इन्होंने जो सामान नहीं पेपर वगैरह डाल देते वो है और इसमें बहुत स्पेस है. इट हैज गॉट टू जिपर्स, सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन दैट आई गॉट एट अ वेरी गुड डिस्काउंट. क्लियो का भी सामान मैंने पहली बार ही मंगाया है बट आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड एट द क्वालिटी एंड द स्टर्डीनेस ऑफ दिस बैग. एंड वेन एवर आई एम लाइक यू नो लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय मोर बैग्स, आई विल डेफिनेटली चेक आउट द क्लियो कलेक्शन फॉर श्योर. Okay guys, so these were my handbag finds from the Amazon sale and it cannot get better than this. मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी और इतनी वैरायटी की चीजें अगर आपको कहीं पर मिल रही है ना तो फिर कोई पॉइंट ही नहीं है मार्केट जाके धक्के खाने का या और वेबसाइट्स पे दिमाग लड़ाने का. Amazon has literally got you covered and therefore in the end I'll say to you again, मैंने सेल की जो लिंक्स हैं, जो प्रोडक्ट की लिंक्स हैं वो सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई हैं. डू चेक इट आउट, डू चेक आउट द एंटायर सेल. आई एम श्योर यू आर गोइंग टू फाइंड अ लॉट ऑफ स्टफ एट अ लॉट ऑफ डिस्काउंट. सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी विच यू शुडंट मिस. सो डू चेक इट आउट एंड आई विल सी यू अगेन विद अ न्यू वीडियो. अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव.